हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से एक है यहाँ पता चलता है कि फीमेल्स पोर्नोग्राफी में सबसे ज्यादा ऊपर है यानी फीमेल्स पोर्नोग्राफी ज्यादा देखती है तो यानी दोपहर के वक्त अगर आप हस्बैंड uh, वाइफ के कमरे की तरफ जाने लगते हैं तो पोर्नोग्राफी देख लेंगे कोई और वेबसाइट्स में उनके ऊपर जाएंगे पोर्नोग्राफी का देखना जो है ये आपके माइंड को इफेक्ट करता है या आपको स्टिमुलस देता है पोर्नोग्राफी को इंसान बहुत ज्यादा देख रहा हो तो ऑफकोर्स अगर कोई एक से लम्हे में उसने पोर्नोग्राफी देखी हुई और क्योंकि आपने वो देखा हुआ है और आपके दिमाग में वो चिमटा हुआ है और अब आप उसको कहीं ना कहीं रिपीट करें अपने दिमाग में और उसको फिर आप ट्राई करना चाहेंगे और तो हमारी हस्बैंड या हमारे वाइफ जो है इस खास तरह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ अपना ताल्लुक बनाए मगर वो नहीं हो पाता क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है जो सेक्शुअलिटी है ये इंसान की बेसिक जरूरत है मगर जब शादियाँ लेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं या जब लोगों के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे वो बहुत सारी और बुरी चीज़ों के साथ साथ फोनोग्राफी से भी बच सकता है आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हमारे माशरे का एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू है जो कहा जाता है कि शरह में कोई शर्म नहीं होती अगर हम इस मौजूक को डिस्कस ना करें तो जिस तरह के जो आजकल हालात चल रहे हैं हमारे माशरे में हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि जिनसी ज्यादती के वाक़ बढ़ते जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमें कोई ना कोई लाल तय करना चाहिए कानून अपना काम कर रहा है लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई एक साइकोलॉजी होती है इसके पीछे कोई ना कोई एक दिमाग होता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद कोई ना कोई शख्स ये ऐसा आ, स्टेप उठाता है आखिर वो शख्स ऐसा क्यों करता है और इसके पीछे क्या रीज़न है आ, क्या वजूहत हैं इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा के पास जो कि रिलेशनशिप थेरापिस्ट हैं बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हैं इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजूहत हैं ये सारे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सबसे पहले हमें बताइए कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है किस तरफ जा रही है उसमें क्या मसला है कि जो ये ज़्यादती के है वो दिन दिन ब बढ़ते जा रहे हैं जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किस तरफ जा रही है इसके बारे में आ, एक एक, 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 एक ज़रूर है बिकॉज कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं है कि हम किस तरफ चीजों को लेके जाएं लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से आ, आप देखते हैं कि एक पनोग्राफी जो है जिसके बारे में आपने कहा कि शर्म आ जाती है बात करना बात करते हुए मैं समझती हूँ कि शर्म की वजह से ही हम आज तक इस नतीजे पे पहुंचे हैं मैंने जैसे पहले भी काफ़ी दफ़ा इस बारे में बात की है कि जब जब कुरान आ, एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन की बात करता है जब कुरान ये हमें बताता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए औरत को जब हैज़ आते हैं तो किस उम्र में आते हैं और हैज के दिनों में क्या चीज़ें होती हैं इसी तरह से जब यानी दोपहर के वक्त अगर आप हस्बैंड वाइफ के कमरे की तरफ जाने लगते हैं तो आपको दरवाज़ा ये वो सारी चीज़ें जो कुरान से और हदीस से आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कुरान और हदीस इस बारे में बात करते हुए शर्म नहीं करते शर्म हम खुद करते हैं जब हम ख़ुद शर्म करते हैं तो फिर हम इस तरह की सूरत हाल का शिकार जो है वो होते हैं और फिर हम इसका इल्ज़ाम किस चीज़ के ऊपर दे देते हैं नई शर्म हया से बात करनी चाहिए ऐसी बातें तरीके से करनी चाहिए शर्मो हया को आ, ये नहीं मैं कह रही कि पशे पुरस् डाल दें और फिर आप बात करें बहुत तरीके से शर्म और लिहाज का ख्याल रखते हुए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आप ये वाली एजुकेशन अपने बच्चों को दें ताकि वो फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल सकें जिस तरह से हम देखते हैं कि पोनोग्राफी में पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से एक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पनोग्राफी देखी जाती है और फिर जब आप सबसे ज़्यादा पोनोग्राफी यहाँ पे देखते हैं फिर जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर करते हैं तो आपको पता चलता है कि फीमेल्स पोनोग्राफी में सबसे ज़्यादा ऊपर है यानी फीमेल्स पोनोग्राफी ज़्यादा देखती हैं अब ये एक कितनी मज़ख़ा खेज बात है कि जहाँ पे हम ये बातें कर रहे हैं कि जी शर्म आ जाती है या यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए वो मुल्क पोनोग्राफी में सबसे टॉप के ऊपर तो ये क्यों है बेसिकली ये इस वजह से है कि लोगों को जब सही इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों को सही मालूम नहीं देते जब लोगों से आप इस टॉपिक के ऊपर लिहाज में रहते हुए बातचीत नहीं करते आप उनकी जो है दिमाग में आने वाली जो फैंटसीज हैं उनको अच्छे तरीके से अटेंड नहीं करते सही मुनासिब तरीके से जवाब नहीं देते तो लोग इन चीज़ों को समझने के लिए इस तरफ इसका रुख जो है वो अख्तियार करते हैं अपनाोग्राफी देख लेंगे कोई और ममनू वेबसाइट्स जो उनके ऊपर जाएंगे या फिर हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स या फिर जिस तरह के रेप्स वगैरह हमारे सामने केसेज आ रहा है कि एक बाप ने दो साल की अपनी बेटी के साथ बिल्कुल ये इसी तरह की चीजें जो है वो सामने फिर नजर आती है क्योंकि पोनोग्राफी में तो इस चीज की कोई लकीर नहीं खेची हुई ना कि इस तरह की वीडियोज वहां पर नहीं होंगी वहां पर तो हर तरह की वीडियो है और जब आप हर तरह की वीडियोस देखते हैं तो ये का देखना जो ये आपके को इफेक्ट करता है आपकी डिसीजन मेकिंग में क्या फर्क आता है किस चीजों में फर्क आता है जब आप ये कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों में फर्क आता है लोगों के मैरिटल रिलेशनशिप इसकी वजह से खराब हो जाते हैं इफेक्ट होते हैं लोगों की नॉर्मल मेंटली में सोचना बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली अगर आप यानी पोनोग्राफी को इंसान बहुत ज्यादा देख रहा हो तो ऑफकोर्स अगर कोई एक से लम्हे में उसने पोनोग्राफी देखी हुई है और उसके दिमाग में चीज अभी तक चिमटी हुई है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो बाहर जाके कि किसी भी बच्चे को अब्यूज कर ले किसी बड़े के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश कर कोई नाजेबा हरकत जो है वो होने के चांसेस जरूर होते हैं एंड देन आप ये देखो कि जब हम पोनोग्राफी की बात करते हैं तो ये आपके ब्रेन में जो आपकी सेक्सुअलिटी के अराउंड जो थॉट्स होते हैं उसको चेंज करना शुरू कर देती है क्योंकि आपने ोग्राफी मैंने जैसे कहा एक बहुत वास्ट चीज है जिसमें कोई बंदिश नहीं है कोई रिलेशनशिप का कोई वो उस तरह से नहीं है कि जी इस रिलेशनशिप की वीडियोस नहीं है इस हर तरह की चीजें आपको नजर आती हैं जब आप डिफरेंट चीजें और डिफरेंट एक्सपोजर्स को देख रहे होते हैं तो वही एक्सपोजर्स फिर आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपने वो देखा हुआ है और आपके दिमाग में वो चिमटा हुआ है और अब आप उसको कहीं ना कहीं रिपीट करें अपने दिमाग में और उसको फिर आप ट्राई करना चाहेंगे अब अगर आपकी वाइफ है आपका हस्बैंड है आप मैरिड हैं तो शायद आप लिए ट्राई करना आसान हो जाएगा मगर अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं इसको किसी और तरीके से पूरा करने की कोशिश जो है वो करते करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी वजूहत ये जो आप बता रही हैं ये जो आजकल ज्यादाती के वाक़ हो रहे हैं इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है इससे पहले भी तो ऐसा होता रहा है तब तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होती थी तब लोगों का क्या माइंड होता था ये आ, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ इसका असर होता है लेकिन ये वन ऑफ द फैक्टर्स ज़रूर है वन ऑफ द फैक्टर्स ज़रूर है कि ये भी कॉज कर रहा है बहुत ज़्यादा और पूरी मैंने क्योंकि मैं खुद रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ मैं खुद अपने क्लाइंट्स को देखती हूँ आके आकर रिपोर्ट करते हैं कि जी आ, हमारी हस्बैंड या हमारे वाइफ जो हैं इस खास तरह से हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ अपना ताल्लुक बनाए मगर वो नहीं हो पाता क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है या वो उसकी चीज़ें उस तरह तो वो उनके दिमाग में वो चीज़ें चिमटी रहती हैं एंड देन दे ट्राई टू हैव इट विद एन अनदर पर्सन किसी और इंसान के साथ उसको करने की कोशिश वो करते हैं या फिर उनके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है जब मौका मिलेगा वो उसको ट्राई करेंगे इसी तरह से ऑफकोर्स पहले इस ये चीज़ें नहीं थी मगर उस वक्त भी क्योंकि जो सेक्शुअलिटी है ये इंसान की बेसिक ज़रूरत है ये बेसिक नीड है जिसको बहुत बेहतर तरीके से शादी के ताल्लुक में पूरे होने की ज़रूरत होती है मगर जब शादियाँ लेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं या जब लोगों के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है सही तरीके से उनकी सेक्शुअलिटी सेक्शुअल नीड्स जो है पूरी नहीं होती तो ऑफ़कोर्स फिर बहुत सारे और चीज़ें जैसे पोनोग्राफी देखने की आदत ज़्यादा हो जाती है आ, लोगों की तरफ अट्रैक्शन जो है अपोज़िट जेंडर की तरफ या मे बी सेम जेंडर की तरफ भी अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है डॉक्टर साहब आखिर में बता दीजिए कि घर में ऐसा कौन सा फ़र्ज या पेरेंट्स में ऐसी जिम्मेदारी तो वैसे पेरेंट्स की बनती है कि किस तरह से अपने बच्चे के साथ वो तालुक को इस्तवार करें कि उसका बच्चा बिला चीजें कोई ऐसी बात है अपने पेरेंट्स या कोई घर में ऐसे फ्रेंड जरूर होना चाहिए जिसको वो बता सके देखिए ये ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना मैं समझती हूँ कि आपने खुद बड़ी खूबसूरती से बात की कि जी शर्म आ जाती है तो माँ बाप को भी शर्म आती है बेसिकली और जब तक आप शर्माते रहेंगे आप कभी भी इस चीज़ का तदारक नहीं कर पाएंगे शर्म शर्म ज़रूर रखें शर्म को इस शर्म के साथ लिहाज भी रखें एक बाउंड्री भी रखें सब कुछ रखें मगर कोशिश ये करें कि आपके बच्चे की एक्सप्लेटेशन ना हो सके वो इन्फॉर्मेशन जो उसको दूसरे लोगों से मिले वो आप उसको खुद तरीके से माँ बाप बड़ी बहन या बड़ा भाई कोई बड़ा कज़न ये ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद तरीके से उस बच्चे को पास ऑन कर दें और उसको पास ऑन करने के लिए ये बड़ी जरूरी बात है कि आप बच्चे के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल जो है वो क्रिएट करें ऐसी जाते ही फॉरन ना बात करना शुरू कर दें मैं आज तो मैं ये चीजें बताने लगा हूं तो बच्चा जो है उससे लगेगा कि पता नहीं शायद मेरी कोई बात इनको नजर आ गई है या वो खुद से चीज़ों में फंस जाएगा कि पता नहीं ऐसा क्यों तरीके तरीके से थोड़ी चीजें जो है वो आपको बताने की जरूरत है और और ये कोई बुरी बात नहीं है ये सिर्फ आपने बच्चे को उसके जिसम में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताना है जहां जहां से आप बात शुरू करेंगे मसलन आप सिंपल इस चीज से बात शुरू कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर कुछ प्यूबिक हेयर आते हैं मसलन बलूगत वाले जो बाल होते हैं दाढ़ी आ जाती है बॉडी के ऊपर बाल थोड़े से ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं ये वाली चीजें आप बताना शुरू करेंगे तो खुद ब खुदा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपका बच्चे के साथ बनना शुरू हो जाता है जब ये बनना शुरू हो जाता है फिर आप थोड़ा थोड़ा सा और उसकी एज के हिसाब से चीजों को फ्रेंडली वे में उसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको बता सकते हैं फ़ायदा उसका क्या होगा कि आपका बच्चा वो जो सब कुछ पोर्नोग्राफी से सीखेगा या वो जो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके सीखेगा वो उससे डिस्कस नहीं करेगा बल्कि उसको सही इन्फॉर्मेशन आपसे मिलेगी और उसके दिमाग में वो जो सवाल आ रहे होंगे वो एड्रेस होते जाएंगे जिससे वो बहुत सारी और बुरी चीज़ों के साथ साथ पोर्नोग्राफी से भी बच सकते डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बड़ा ब्रीफली आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं बहुत सारे वाकयात भी देखने को मिल रहे हैं तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था अवेयरनेस के लिए हमने इस पर बात की है और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें जो आपने सुनी हैं ये मुफीद साबित होंगी इसी के साथ हमें दीजिए